जीजा साले का जुनूनी इश्क। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी है खाड़ेपुर। यह कॉलोनी कानपुर विकास प्राधिकरण ने मध्यम वर्गीय आवास योजना के तहत विकसित की थी। इसी कॉलोनी के बी ब्लॉक में जगराम सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मीना सिंह के अलावा दो बेटियां ममता पूजा के अलावा एक बेटा राजकुमार था। जगराम सिंह पनकी स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह से उसके घर का खर्च आसानी से चल जाता था। बड़ी बेटी ममता की इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जगराम सिंह ने उसकी शादी कानपुर के कठारा निवासी मनोज से कर दी। मनोज तीन बहनों का इकलौता भाई था। पिता अपनी पुश्तैनी जमीन पर सब्जियां उगाते थे। मनोज उन सब्जियों को टेम्पो से नौबस्ता मंडी में थोक में बेच आता था। इससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। मनोज गांव से टेम्पो पर सब्जी लाद कर नौबस्ता मंडी लाता था। नौबस्ता से खाड़ेपुर कॉलोनी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वह हर तीसरे चौथे दिन ससुराल पहुंच जाता था। नई नई शादी हुई हो तो दामाद के लिए ससुराल से बेहतरीन कोई दूसरा घर नहीं होता। इसका एक कारण भारतीय परंपरा भी है। दामाद घर आए तो सभी लोग उसके आगमन से विदाई तक पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। खूब स्वागत सत्कार होता है। विदाई के समय उपहार भी दिया जाता है। यह उपहार सामान की शक्ल में भी होता है और नकद के रूप में भी। मनोज की ससुराल में दिल लगाने, हंसी मजाक और चूहल करने के लिए एक जवान और हसीन साली भी थी, पूजा। हालांकि एक साला राजकुमार भी था, मगर मनोज उसे ज्यादा मोह नहीं लगाता था। उसकी कोशिश पूजा के आसपास बने रहने और उसके साथ चूहलबाजी छेड़छाड़ करते रहने की होती थी। पूजा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी, दोनों में खूब पड़ती थी। पूजा के घरवाले पूजा और मनोज की चूहलबाजी को जीजा साली की स्वाभाविक छेड़छाड़ मानते थे और उन दोनों की नोकझोंक पर खुद भी हंसते रहते थे। ससुराल वाले मनोज को दामाद कम बेटा अधिक मानते थे। दरअसल मनोज ने अपने कुशल व्यवहार से अपनी सास व ससुर का दिल जीत लिया था। वह उनके घरेलू काम में भी मदद कर देता था। इसी के चलते वह मनोज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मनोज जब ससुराल में ज्यादा आने जाने लगा तो उसका धंधा भी प्रभावित होने लगा। पिता ने डांटा तो उसके दिमाग से ससुराल का नशा उतरने लगा। जिंदगी की ठोस हकीकत सामने आनी शुरू हुई तो मनोज का ससुराल में जल्दी जल्दी आना जाना बंद हो गया। हाँ, फुर्सत मिलने पर वह ससुराल में हो आता था। पत्नी चाहे जितनी खूबसूरत हो, उसका नशे हमेशा नहीं रहता। वह जितनी तेजी से चढ़ता है, उतनी ही तेजी से उतरने भी लगता है। शादी के 2 साल बाद ही मनोज को ममता बासी और उबाऊ लगने लगी। पत्नी से मन उछटा तो कुंवारी और हसीन साली पूजा में रमने लगा। मन नहीं माना तो मनोज ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा दिए, पर इस बार मनोज का ससुराल आना बेमकसद नहीं था। उसका मकसद थी पूजा। लेकिन ममता को पति के असली इरादे की भनक नहीं थी। वह तो यही समझती थी कि मनोज उसके परिवार का कितना ख्याल रखता है, जो वह उसके माता पिता की मदद करने के लिए उसके मायके चला जाता है। पत्नी के इसी विश्वास की आड़ में मनोज अपना मकसद पूरा करने में लगा था। ससुराल पहुंचने पर मनोज की आंखें साली को ही खोजती रहती थी।
वह पूजा से मौखिक छेड़छाड़ तो पहले से करता था, अब उसने मौका मिलने पर शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी। पूजा को यह सब अजीब तो लगता था, मगर वह जीजा का विरोध नहीं करती थी। वह सोचती थी कि कहीं जीजा बुरा न मान जाए। एक दिन मनोज मर्यादा की हद लांघ गया। उस दिन पूजा के माता पिता कहीं गए थे और भाई राजकुमार अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया। घर में केवल पूजा और मनोज ही थे। अच्छा मौका पाकर मनोज ने पूजा को आलिंगबद्ध कर लिया। पूजा उसके चंगुल से छूटने को कसमसाई तो वह उसके गालों पर होठ रगड़ने लगा। इसके बाद उसने पूजा की गर्दन को गर्म सांसों से सहला दिया। यह पहला मौका था जब किसी पुरुष ने पूजा को मर्दाना स्पर्श की अनुभूति कराई थी। मनोज के स्पर्श से वह रोमांच से भर गई। इसके बावजूद किसी तरह उसने मनोज को अपने से दूर कर दिया। पूजा ने नाराजगी से मनोज को देखते हुए कहा, जीजा पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही शरारत करने लगे हो। तुमने सुना ही होगा कि साली आधी घरवाली होती है। मनोज ने भी बेहयाई से हंसते हुए कहा, तो मैं तुम पर अपना अधिकार क्यों ना जताऊं? नहीं जीजा, यह सब मुझे पसंद नहीं है, वह बोली। सच कहता हूँ पूजा, तुम ममता से ज्यादा खूबसूरत और नशीली हो, कहते हुए मनोज ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। मेरी बात का यकीन न हो तो इस दिल से पूछ लो जो तुम्हें प्यार करने लगा है। काश मेरी शादी ममता के बजाय तुमसे हुई होती। जीजा तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, कहकर पूजा ने हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। मनोज ने उसे रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। वह अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। पूजा पत्थर हो ऐसा नहीं था। जीजा की रसीली बातों और छेड़छाड़ से उसके मन में भी गुदगुदी होने लगी थी। बहरहाल उस दिन के बाद से मनोज पूजा से जुबानी छेड़छाड़ कम और जिस्मानी छेड़छाड़ ज्यादा करने लगा। अब वह उसका विरोध भी नहीं करती थी। पूजा का अपने जीजा से लगाव बढ़ गया। वह स्वयं सोचने लगी कि शादी जब होगी तब होगी, क्यों न शादी होने तक जीजा से मस्ती कर ली जाए। परिणाम वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। शादी के पहले ही पूजा ने खुद को जीजा के हवाले कर दिया। इसके बाद तो वह जीजा की दीवानी हो गई। मनोज भी आए दिन ससुराल में पड़ा रहने लगा। रात को अपने बिस्तर से उठकर वह चुपके से पूजा के कमरे में चला जाता और सुबह 4 बजे अपने बिस्तर पर आ जाता था। एक रात अचानक पूजा के पिता जगराम सिंह की नींद खुल गई। उन्हें बेटी के कमरे से खुसर फुसर की आवाजें आई। जिज्ञासावश उन्होंने बेटी के कमरे में खिड़की से झांका तो छोटी बेटी पूजा को दामाद के साथ देखकर उनका खून खोल गया। इसी तरह उन्होंने गुस्से पर काबू करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलना मजबूरी थी। पूजा ने डरते सहमते दरवाजा खोल दिया। सामने पिता को देखकर वह घबरा गई। मनोज माफी मांगते हुए ससुर के पैरों में गिर गया। बहरहाल उस समय जगराम ने उनसे कुछ नहीं कहा। सुबह होने पर जगराम ने रात वाली बात अपनी पत्नी मीना को बताई। बदनामी के भय से जगराम सिंह व मीना ने शोर शराबा नहीं किया। उन दोनों ने पूजा और मनोज को धमकाया। दोनों सिर झुकाए अपनी फजीहत कराते रहे। कुछ देर बाद मनोज वहां से अपने घर लौट गया। जगराम सिंह और मीना ने बड़ी बेटी ममता के दाम्पत्य को कड़वाहट से बचाने के लिए
उसके पति की करतूत छिपाए रखी। ससुराल की बात ससुराल में ही दबी रही और वह पूजा के लिए लड़का देखने लगे ताकि जल्द उसके हाथ पीले कर सके। लेकिन दामाद की करतूत छिपाना जगराम को महंगा पड़ा। मनोज के मन में जो डर था वह धीरे धीरे दूर हो गया। एक दिन पूजा ने मनोज को फोन करके बता दिया कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही मनोज एक दिन ससुराल पहुंच गया। उसने सास ससुर से अपनी गलती की माफी मांग ली, साथ ही यह भी कहा कि आइंदा वह पूजा को साली नहीं बल्कि छोटी बहन मानेगा। वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक भाई अपनी बहन से करता है। जगराम सिंह और मीना के लिए यही बहुत था कि दामाद को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने पूजा को बहन मान लिया था। अतः दोनों ने सच्चे दिल से मनोज को माफ कर दिया। मौका मिलने पर मनोज ने पूजा को बताया, तुम्हारी शादी भले ही कहीं हो जाए, मेरे संबंध तुम्हारे साथ पहले की तरह ही रहेंगे। इस पर पूजा ने भी कह दिया, मैं भी तुम्हें प्यार करती रहूंगी, तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगी। इसके बाद मनोज अपने ससुर के साथ मिलकर पूजा के लिए लड़का खोजने लगा। इसी बीच जगराम सिंह की मुलाकात तेज बहादुर से हुई। तेज बहादुर कानपुर शहर के हंसपुरम नौबस्ता में रहता था। वह जगराम के बड़े भाई सुखराम का दामाद था। उसके साथ सुखराम की बेटी अनीता ब्याही थी, इस नाते वह उसका भी दामाद था। जगराम ने उससे अपनी बेटी पूजा के लिए कोई लड़का बताने को कहा तो उसने बताया कि उसका छोटा भाई ओम प्रकाश ब्याह लायक है। ओम प्रकाश कार चालक है और अच्छा कमाता है। तेज बहादुर ने यह भी बताया कि ओम प्रकाश के अलावा उसके दो अन्य भाई छोटू व प्रमोद हैं। सभी लोग साथ रहते हैं, क्योंकि पुरानी रिश्तेदारी थी। अतः जगराम सिंह ने ओम प्रकाश को देखा तो वह उन्हें पसंद आ गया। पूजा की इस रिश्ते को मनोज ने भी सहमति दे दी, क्योंकि पूजा कहीं दूर नहीं जा रही थी। आपसी सहमति के बाद जगराम सिंह ने 16 फरवरी 2016 को पूजा का विवाह ओम प्रकाश के साथ कर दिया। शादी के बाद पूजा अपनी ससुराल हंसपुरम पहुंच गई। पूजा खूबसूरत थी, इसलिए ससुराल में सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। ओम प्रकाश भी खूबसूरत बीवी पाकर खुश था, क्योंकि पूजा और अनीता चचेरी बहनें थी और एक ही घर में दोनों सगे भाइयों को ब्याही थी, इसलिए दोनों में खूब पटती थी। पूजा ने अपने व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। वह पति के अलावा जेठ तेज बहादुर तथा देवर प्रमोद व छोटू का भी पूरा ख्याल रखती थी। पूजा ससुराल चली गई तो मनोज उससे मिलने के लिए छटपटाने लगा। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूजा से बात की, फिर वह उसके ससुराल जा पहुंचा। क्योंकि मनोज ओम प्रकाश का साढ़ू था सो सभी ने उसकी आवभगत की। इस आवभगत से मनोज गदगद हो उठा। इसके बाद वह अक्सर पूजा के ससुराल जाने लगा। आते जाते मनोज ने पूजा के जेठ तेज बहादुर से अच्छी दोस्ती कर ली। दोनों के साथ साथ भी महफिल जमने लगी। मनोज जब भी पूजा के ससुराल पहुंचता तो वह उसके आसपास ही घूमता रहता था। वह उससे खूब हंसी मजाक करता और ठहाके लगाता। उसकी द्विअर्थी बातों से कभी कभी पूजा तिल मिला भी उठती और उसे सीमा में रहने की नसीहत दे देती। ओम प्रकाश को
साढ़ू का रिश्ता पसंद नहीं था, न ही उसे मनोज का घर आना और पूजा से हंसी मजाक करना अच्छा लगता था। वह मन ही मन कूटता था लेकिन विरोध नहीं जता पाता था। एक रोज ओम प्रकाश ने मनोज के आने जाने को लेकर अपनी पत्नी पूजा से बात की और कहा कि उसे आए दिन मनोज का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है, न मैं उसके घर जाऊंगा और न ही वह हमारे घर आया करे। मुझे उसकी बेहुदा बातें और भदा हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उसे यहाँ आने से साफ मना कर दो। लेकिन पूजा ने मनोज को मना नहीं किया। वह पहले की तरह ही वहाँ आता रहा, बल्कि अब वह कभी कभी रात को वहाँ रुकने भी लगा था। मनोज की गतिविधियाँ देखकर ओम प्रकाश का माथा ठनका। उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसने गुप्त रूप से पता लगाया तो जानकारी मिली कि शादी के पहले से ही पूजा और मनोज के बीच नाजायज संबंध थे। मनोज ने इस बारे में पूजा से बात की तो कड़वी सच्चाई सुनकर पूजा उखड़ गई। उसने साफ कहा कि उसके और जीजा के बीच कोई नाजायज संबंध नहीं थे और न है कोई उन दोनों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। पूजा ने भले ही कितनी सफाई देने की कोशिश की लेकिन उसके पति के दिमाग में तो शक का बीज अंकुरित हो चुका था। नतीजा यह हुआ कि इन बातों को लेकर उनके घर में कलह होने लगी। कभी कभी कहा सुनी इतनी बढ़ जाती कि नौबत मारपीट तक आ जाती थी। इस कलह की जानकारी मनोज को हुई तो उसने पूजा के ससुराल जाना बंद कर दिया। लेकिन पूजा के जेठ तेज बहादुर से उसने नाता नहीं तोड़ा और दोनों घर के बाहर महफिल जमाते रहे। मनोज का घर आना जाना बंद हुआ तो पूजा खिन्न रहने लगी। वह अपने पति से बात बात पे झगड़ा करने लगती। दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि ओम प्रकाश ने शराब पीनी शुरू कर दी। वह देर रात नशे में चूर होकर घर लौटता तो आते ही पत्नी को गालियां बकनी शुरू कर देता था, उस पर चरित्रहीनता का लांछन लगाता। पूजा कुछ बोलती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पूजा की चीख पुकार सुनकर उसका जेठ तेज बहादुर बीच बचाव करने आता तो ओम प्रकाश बड़े भाई से भी भिड़ जाता था। इतना ही नहीं, वह उसके साथ भी मारपीट करने लगता। घर की कलह और रोज रोज की मारपीट से आजीज आकर शादी के एक साल बाद पूजा मायके आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद पति ओम प्रकाश उसे मनाने आया लेकिन पूजा ने ससुराल जाने से साफ मना कर दिया। अधिकांश माँ बाप को बेटी का गुस्से में ससुराल छोड़कर आना अच्छा नहीं लगता। जगराम सिंह और मीना को भी यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूजा को समझाया परंतु पूजा ने साफ कह दिया कि वह जहर खाकर मर जाएगी पर ससुराल नहीं जाएगी। इसके बाद माँ बाप भी बेबस हो गए। जब मनोज को पता चला कि पूजा गुस्से में ससुराल से मायके आ गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ससुराल आकर पूजा से मुलाकात की। उसने पूजा द्वारा उठाए गए कदम को सही ठहराया और उसकी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पूजा की मदद के बहाने मनोज अब फिर ससुराल आने लगा। उसने फिर से पूजा से नाजायज संबंध बना लिए। ओम प्रकाश ने पूजा को जितना प्रताड़ित किया था वह उसके बदले उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसके लिए उसने जीजा मनोज के सहयोग से नौबस्ता थाने में पति ओम प्रकाश के खिलाफ
दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने ओम प्रकाश को दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ओम प्रकाश कुछ दिनों बाद किसी तरह जमानत कराकर जेल से बाहर आ गया। जमानत मिलने के बाद ओम प्रकाश ने बड़े भाई तेज बहादुर पर मामले को रफा दफा करने का दबाव डाला, लेकिन तेज बहादुर ने साफ मना कर दिया। तब ओम प्रकाश ने बड़े भाई से जमकर झगड़ा और मारपीट की। तेज बहादुर उसके ससुराल वालों के पक्ष में था। पूजा को लेकर दोनों भाइयों के बीच रंजिश बढ़ गई। हाँ, इतना जरूर था कि ओम प्रकाश की बहन उषा तथा भाई छोटू व प्रमोद उसके पक्ष में थे और उसकी हर संभव मदद करते थे। ओम प्रकाश दहेज उत्पीड़न का मुकदमा वापस लेने के लिए पत्नी पर भी दबाव डाल रहा था। वह उसे हर तरह से ठीक प्रकार रखने का आश्वासन भी दे रहा था, लेकिन पूजा उसकी बात नहीं मान रही थी। पूजा के पति से साफ कह दिया कि उसे उस पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए मुकदमा वापस नहीं लेंगी। ओम प्रकाश को शक था, पूजा को उसका जीजा मनोज ही भड़का रहा है, जिससे वह उसकी बात नहीं मान रही। पूजा ने पति की बात नहीं मानी तो ओम प्रकाश ने दूसरा रास्ता निकाला। अब वह जब भी ससुराल जाता तो नशे में धुत होता। वह घर में देखता कि कहीं मनोज तो पूजा के साथ रंगरलिया मनाने नहीं आया। पूजा रोकती टोकती तो वह उसे गाली बकता। उसका साला राजकुमार कुछ कहता तो वह उसकी पिटाई कर देता था। इससे राजकुमार को भी ओम प्रकाश से नफरत हो गई। ऐसे ही एक रोज ओम प्रकाश ससुराल पहुंचा तो घर के अंदर मनोज था। ओम प्रकाश को शक हुआ कि सूने घर में मनोज पूजा के साथ रंगरलिया मना रहा होगा। उसने खा जाने वाली नजरों से मनोज को देखा, फिर पूजा को बुरी तरह मारा पीटा। इसके बाद उसने मनोज को घर से चले जाने को कह दिया। हमारा तुम्हारा रिश्ता साढ़ू का है, तुम पूजा की बहन के सुहाग हो, इसलिए बख्श रहा हूँ। कोई दूसरा होता तो इस कमरे से उसकी लाश बाहर जाती। कान खोलकर सुन लो, आइंदा पूजा से मिलने की जरूरत मत करना, वरना। मनोज को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह अपराध बोध से सिर झुकाए चला गया। उसी शाम मनोज के मोबाइल पर पूजा का फोन आया। मैं तुम्हें बड़ा तीस मार खा समझती थी, पर तुम तो नामर्द निकले। ओम प्रकाश मुझे पीटता रहा और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। तुम्हें तो उसे वहीं पटक कर जान से मार देना चाहिए था। पूजा की ललकार से मनोज की मर्दानगी जाग गई, खुद का अपमान भी उसे याद आने लगा। गुस्से से तिल मिलाकर वह बोला, मैंने ओम प्रकाश को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह तुम्हारा पति है। तुमने मेरी मर्दानगी को ललकारा है, इसलिए अब मैं उसे जान से मार कर ही तुम्हें मुंह दिखाऊंगा। हाँ, मार दो। पूजा ने गुस्से की आग में घी डाला। जब तक ओम प्रकाश नहीं मरेगा, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। इसके बाद मनोज ने ओम प्रकाश की हत्या की योजना बनाई। इस योजना में उसने अपने साले राजकुमार तथा ओम प्रकाश के बड़े भाई तेज बहादुर को भी शामिल कर लिया। क्योंकि ओम प्रकाश कई बार तेज बहादुर को पीट चुका था और उसे बेइज्जत भी किया, इसलिए वह भाई की हत्या में मनोज का साथ देने को राजी हो गया। राजकुमार को अपनी बहन की प्रताड़ना व बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वह भी उसका साथ देने को राजी हो गया। 6 नवंबर 2018 को तेज बहादुर ने रात 8 बजे मनोज को मोबाइल फोन पर बताया कि ओम प्रकाश विधनू में
पप्पू रिपेयरिंग सेंटर पर अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा रहा है। वहां से वह बहन उषा के घर पतारा जाएगा। तुम पहुंचो, पीछे से मैं भी आ रहा हूं। आज उचित मौका है। मनोज ने साले राजकुमार को साथ लिया और विधनु पहुंच गया, जहां ओम प्रकाश अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा रहा था। योजना के अनुसार मनोज अपनी मोटरसाइकिल से विधनु के रिपेयरिंग सेंटर पर पहुंच गया। वहां मनोज ने ओम प्रकाश से दुआ सलाम की, फिर अपने किए की माफी मांगी। मनोज झुका तो ओम प्रकाश भी नरम पड़ गया। वैसे भी मनोज कोई गेर नहीं, साढ़ू था, इसलिए ओम प्रकाश ने उसे माफ करते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर गलती दोहराने की कोशिश मत करना, ठीक है? आइंदा गलती नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में आज तुम मेरे साथ पार्टी करो, तब मैं समझूंगा कि तुमने दिल से मुझे माफ कर दिया है। जब तुम यह बात कह रहे हो तो मुझे मंजूर है। इसके बाद मनोज और ओम प्रकाश ने ठेके पर जाकर शराब पी। मनोज ने जानबूझकर ओम प्रकाश को कुछ ज्यादा पिला दी। घर वापसी में मनोज ने शंभुआ हाईवे पुल पर मोटरसाइकिल रोक दी। ओम प्रकाश भी रुक गया। इसके बाद मनोज ने तेज बहादुर को भी बुला लिया। योजना के मुताबिक राजकुमार ने ओम प्रकाश की मोटरसाइकिल हाईवे किनारे पलट दी। फिर मनोज व तेज बहादुर ने ओम प्रकाश को दबोच लिया और दोनों ने मिलकर चाकू से ओम प्रकाश की गर्दन रेत दी। दुर्घटना दर्शाने के लिए उन लोगों ने उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद मनोज राजकुमार के साथ ससुराल पहुंचा और पूजा को उसके पति की हत्या कर देने की जानकारी दी। तेज बहादुर भी अपने घर हंसपुरम आ गया। 7 नवंबर की सुबह शंभुआ हाईवे पुल पर दुर्घटना की सूचना विधनु थाना प्रभारी संजीव चौहान को मिली, तो वह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। इसी भीड़ में से एक शख्स सामने आया और उसने बताया कि उसका नाम तेज बहादुर है और वह नौबस्ता थाने के हंसपुरम का रहने वाला है। मृतक उसका छोटा भाई ओम प्रकाश है। वह उसे खोजता हुआ यहां पहुंचा था। बीती शाम ओम प्रकाश बहन उषा के घर गया था। शायद वहीं से घर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि शव की शिनाख्त हो गई थी, इसलिए थाना प्रभारी संजीव चौहान ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे रोज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी तो वह चौंक गए, क्योंकि ओम प्रकाश की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि गला काटकर हत्या करने के बाद उसे सड़क पर डाला गया था ताकि मामला दुर्घटना का लगे। इसके बाद थाना प्रभारी संजीव चौहान ने मृतक के भाई तेज बहादुर, प्रमोद व छोटू तथा बहन उषा से पूछताछ की। तेज बहादुर तो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन प्रमोद, छोटू व उषा ने शक जाहिर कर दिया। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश की शादी पूजा से हुई थी। पूजा के अपने बहनोई मनोज से नाजायज संबंध थे। ओम प्रकाश इसका विरोध करता था। पूजा नाराज होकर मायके चली गई थी। इतना ही नहीं, उसने भाई के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया था। उन्होंने कहा कि मनोज व पूजा ने ही भाई की हत्या की है। मनोज शक के घेरे में आया तो थाना प्रभारी संजीव चौहान ने उसे थाने बुलवा लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। मनोज ने ओम प्रकाश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। मनोज ने बताया
कि उसने अपने साले राजकुमार व मृतक के बड़े भाई तेज बहादुर के साथ मिलकर ओम प्रकाश की हत्या की थी। मनोज ने यह भी स्वीकार किया कि मृतक की पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध थे, उसी के उकसाने पर ओम प्रकाश की हत्या की गई थी। हत्या का राज खुला तो पुलिस ने मृतक की पत्नी पूजा तथा भाई तेज बहादुर को भी हिरासत में ले लिया, किंतु राजकुमार फरार हो गया। मनोज की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया, जिसे उसने घर में छिपा दिया था। थाना प्रभारी संजीव चौहान ने मृतक के छोटे भाई प्रमोद की तरफ से मनोज, पूजा, तेज बहादुर व राजकुमार के खिलाफ भांदवी की धारा 302 के तहत केस दर्ज करके उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया। 14 नवंबर 2018 को पुलिस ने हत्यारोपी मनोज, पूजा व तेज बहादुर को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। कथा संकलन तक उनकी जमानत नहीं हुई थी, जबकि राजकुमार फरार था। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दहलाद देने वाली क्राइम स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।